राज्य को उसके लिए जो स्रोत है उसमें से एक बालू भी है। मैंने राज्य सरकार से मुख्यमंत्री जी से यही जानना चाहा था कि राज्य सरकार के पास जो बालू घाट है जिसका संचालन निगम को करना है और एक है कि जिसका संचालन पंचायतों को करना है, दो तरह की कैटेगरी में इन्होंने बांटा है। तो जिसका संचालन राज्य सरकार को करना है उसमें से केवल 22 घाटों का संचालन राज्य सरकार या निगम कर रहे हैं। मैंने यही जानना चाहा था कि शेष जो है 586 घाट हैं, उन घाटों का संचालन कौन कर रहा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये राजस्व का क्षति है और आज के दिन में इन 586 घाटों पर किनका कब्जा है, मैं यही जानना चाहता था। राज्य के सरकार का जो जवाब है कितना संतुष्ट दिखाई दिया, क्या नहीं लगता है कि जो भेक जवाब उनकी ओर से आया है? उन्होंने राज्य में 18-19 को जितनी गाड़ियां पकड़ी थी अवैध रूप से वो स्वीकार किए। अगर वो ये कह रहे हैं कि गाड़ियां हमने पकड़ी है तो निश्चित रूप से अवैध कारोबार होता होगा, उसकी संख्या और उससे वसूली लगभग 4 करोड़ रुपया दिखाया गया है। 888 गाड़ी पकड़ा गया 19-20 में, 20-21 में लगभग 1300 गाड़ियां पकड़ी जाती है लेकिन वसूली 2 करोड़ कुछ, तो उस अनुपात में आधा वसूली हो पाता है। तो ये वसूली का जो रास्ता है इसमें कौन सी बाधा हुई कि अनुपात में कम गाड़ी होके भी 18-19 में ज्यादा वसूली हो गया और अधिक गाड़ी होने के बाद भी हमारा 20-21 में ये नहीं हो पाता, और ये सर्वविदित और राज्य का एक ज्वलंत विषय है। इसको लेकर सभी लोग, आम लोग ये चीज देख रहे हैं कि कॉन्फ्रेंट के संरक्षण में ये चीजें चल रही है, सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं, मंत्री चूंकि उस विभाग से है ही नहीं उन्हें जवाब देने दिया जाता है। तो ये जो जवाब दे राज्य के राजस्व पर श्वेत पत्र लाने वाली गवर्नमेंट को इसमें जवाब देना चाहिए कि मैं राज्य के राजस्व लाने का कौन सा तरीका अपनाएं, और इस तरह से अगर व्यवस्था है तो राज्य के कोष में जो सीधे आने वाला जो आय है जिसका खर्चा हम लोग फिर व्यय के रूप में विकास की योजनाओं करते हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।